आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, हमारा क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटेड एंड द वंस दैट आर एक्वायर्ड इन ह्यूमंस। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस बता लेते हैं। डिफरेंस बताने के बाद एज एन एग्जांपल हम दोनों के कैरेक्टर्स बता देंगे एक एक। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, बेसिकली इनहेरिटेड कैरेक्टर्स तो हमारे कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स हमारे जो होते हैं उनसे हमें पास ऑन किए जाते हैं, पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, ये तो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑन द अदर हैंड आर गेन्ड इन लाइफ फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, पूरी लाइफ में जो भी कैरेक्टर्स, जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो आप देख के या करके सीखते हैं, वो आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो बर्थ पे आपके प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट्स आपको पास ऑन करते हैं, उन्हें कहते हैं। सेकेंड डिफरेंस है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट और आर गेन्ड एट बर्थ। ओके, दीज आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ। ओके, ठीक है। सेकेंडली, आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके जीन्स से लिंक्ड होते हैं, यानी कि जीन्स जो आपको पास ऑन होते हैं वो आपको इनहेरिटेड कैरेक्टर्स देते हैं, इसीलिए ये डिपेंड करते हैं जीन्स पे। डिपेंडेंट ऑन जीन्स। ठीक है, आपके जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं ये जीन पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि आप लाइफ में इन्हें सीखते हैं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ योर जीन्स होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ योर जीन्स। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद इनके एग्जांपल ले लेते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर। ये क्वेश्चन में हमसे एक ही एग्जांपल पूछा गया था, बट यहाँ पे हम आपको सेवरल एग्जांपल्स दे रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेड कैरेक्टर आपके कौन से होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं आपके एग्जांपल में हो जाएगा आपका जो हेयर कलर होता है, या फिर जो आपका आई कलर होता है, या फिर जो आपका बोन स्ट्रक्चर होता है, वो सब आपके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया हेयर कलर, सेकेंडली आपका आई कलर, थर्ड है आपका बोन स्ट्रक्चर, योर फेशियल फीचर्स, आपके नोज़ का शेप कैसा है, ये सब फेशियल फीचर्स, ये सब आपके जीन से एक्वायर्ड होते हैं, ये सारे इनहेरिटेड होते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं आपके, उसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जो आप लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। फर्स्टली आपकी जो भी नॉलेज है, आपकी नॉलेज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में आती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपके काम करते हैं आप, फिंगर्स पे जो भी आपके निशान वगैरह, मार्क्स वगैरह बॉडी पे पड़ते हैं, बॉडी मार्क्स फ्रॉम इंजरीज। ओके, और आपका हो जाएगा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में जो बेसिकली आइडियाज़ जितने भी हैं आपके, या फिर कुछ अलग तरीके की ग्रोथ्स जो डिजीज़ से होती हैं, वो सारी आपकी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में आती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिजीज़। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।